हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो नेक्स्ट हम लोग लास्ट क्लास में देखा था कि कास्टिंग कैसे यूज करते हैं। वन डाटा टाइप से दूसरे डाटा टाइप को कास्ट करने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं स्क्रीन स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन। नाम से ही पता चल रहा है कॉन्केटिनेशन करेगा, ये बहुत सारे स्ट्रिंग को ऐड कर देगा। और चार पांच स्ट्रिंग है उसको हम चाहते हैं कि एक एक साथ ऐड करना देना, हम लोग यूज करेंगे स्क्रीन कॉन्केटिनेशन। ये बेसिकली करेगा, ये बहुत सारे स्ट्रिंग को कन्वर्ट। एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे एक कस्टमर डिटेल्स है, कस्टमर का कोई एक एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति एक ऑर्डर प्लेस करता है, तो ऑर्डर से वहाँ पर उसमें कस्टमर डिटेल्स रहता है। तो एक कस्टमर है, उसका इन्फॉर्मेशन है और उसका फर्स्ट नेम है, उसका लास्ट नेम है। ओके, तो हम चाहते हैं कि इसका जो है इस इन्फॉर्मेशन को जो है इन सिस्टम तक जाए, बट सिस्टम ए से सिस्टम बी तक जाए, बट उसका से इन्फॉर्मेशन जो है ये इस तरह से जाए, मतलब कि वो फर्स्ट नेम लास्ट नेम दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ जाए और बीच में एक स्पेस रहे, बस जो है ये आपके पास इस तरह से जाए। तो इसको हम क्या करेंगे, बेसिकली क्या करेंगे, हम ये फर्स्ट नेम को जो है कंकेटिनेट कर देंगे उससे लास्ट नेम। तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे कंकेटिनेशन। तो चलिए देखते हैं क्या कैसे करते हैं। तो लेट मी पहले हम डिक्लेयर करेंगे इनपुट, वहाँ से इन्फॉर्मेशन फेच कर पाए। क्लियर आई एन रेफ इन्फॉर्मेशन इनको के अंदर पेश करना चाहते हैं। ओके, तो हम कस्टमर के अंदर में इनको हम डालेंगे, कस्टमर के अंदर में इनको। ओके, तो यहाँ से इन्फॉर्मेशन को करना चाहते हैं, हमने पहले एक आई एन एफ नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया जो कि वो पॉइंट करता है आपके पास कस्टमर, कस्टमर के अंदर में इनफो। तो बेसिकली इनफो के अंदर में जो भी इन्फॉर्मेशन होगा, एफ नेम और फर्स्ट नेम और लास्ट नेम जो है इन्फॉर्मेशन, हम आई एन एफ का यूज करके फेच कर लेंगे। ओके, तो लेट वी फर्स्ट हम उसको आउटपुट में सेट करना है। क्या आउटपुट में सेट करना है? कस्टमर, कस्टमर के अंदर में इनफो, उसके अंदर में नेम। नेम बेसिकली हम बेसिकली हम जो राहुल कुमार पूरा सेट कर देना है। ओके, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सेट कर देंगे आउटपुट रूट में, सेट आउटपुट रूट में XML NSE। तो हम बेसिकली कहाँ सेट करना चाहते हैं, सेट हम करना चाहते हैं कस्टमर, कस्टमर के अंदर में इनफो, कस्टमर, कस्टमर, कस्टमर के अंदर में इनफो, इनफो के अंदर में नेम। हम यहाँ पर इंफॉर्मेशन नेम के अंदर में, नेम के अंदर में चाह रहे हैं हम कस्टमर, कस्टमर के अंदर में इनफो, इनफो, इनफो के अंदर में नेम। नेम में हम चाह रहे हैं कि ये जो मेरा फर्स्ट नेम है और लास्ट नेम है दोनों एक दूसरे साथ ऐड होकर बीच में एक स्पेस के साथ मेरे पास यहाँ पर आ जाए। ओके, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम कॉन्क्रीट करेंगे विद द स्पेस। ओके, तो लेट मी शो यू। अब इसके लिए क्या कंक्रीटन के कंकेटिनेशन के लिए सिंबल जो होता है बस कॉमेंट आपको लिखते हैं, वो लाइक दैट होता है कि अगर कोई भी ऐसा होता है, कोई भी दो स्ट्रिंग करना है, एग्जाम्पल की स्ट्रिंग वन है, तो स्ट्रिंग वन है उसको कन्वर्ट करना है स्ट्रिंग टू से के साथ, तो उसको बीच में एक इस तरह से लगा दीजिएगा तो ये कॉन्केटिनेट हो जाएगा। ओके, तो हम इसको किसको करना है, हमको तो हमको करना है आई एन एफ के अंदर में जाके एफ नेम को करना है। तो आई एन एफ के अंदर में जाकर हमको एफ नेम करना है, प्राइवेट कॉल ले लेते हैं एफ नेम कनेक्ट करना है। तो हम यहाँ पर ये दबा दिए, किससे कनेक्ट करना है, बीच में हमको चाहिए स्पेस, देख सकते हैं बीच में हमको चाहिए स्पेस राहुल, ये तो मेरे पास फर्स्ट नेम होगा, फर्स्ट नेम को बीच में स्पेस चाहिए, तो हमको एक स्पेस भी कनेक्ट करना होगा। तो स्पेस कनेक्ट करने का करना होगा, बेसिक से आपको एक ऐसे करके बीच में स्पेस दे देना होगा। ये बेसिकली क्या हो गया, रिप्रेजेंट करता है बीच में एक स्पेस को ऐड किए हैं। उसका सा हमको किस करना है, लास्ट लास्ट नेम के साथ करना है। तो अगेन हम इसको तैयार हो गया आपका कोड। ये हमने बेसिकली क्या किया, इनपुट रूट क्लियर किया आई एन एफ से, हमने उसको पॉइंट कर रहे हैं इनफो तक। बेसिकली इनफो के अंदर में जो है जो भी इन्फॉर्मेशन जो है फर्स्ट नेम लास्ट नेम यहाँ से हम फेच कर सकते हैं आई एन एफ यूज करके। आई एन एफ डॉट एफ नेम करेंगे तो फर्स्ट नेम फेच कर सकते हैं, आई एन एफ डॉट लास्ट नेम करेंगे तो यहाँ से लास्ट नेम फेच कर सकते हैं। हमने एक आउटपुट रूट क्लियर किया, आउटपुट रूट बेसिकली कस्टमर, कस्टमर के अंदर में इनफो, इनफो अंदर का नेम,
कस्टमर कस्टमर का नेम, वहां से हम उसको वैल्यू को एफ नेम के अंदर में सेट कर रहे हैं। सेट क्या कर रहे हैं, राहुल कुमार को, मतलब एफ नेम को कंकेटनेट कर रहे हैं उस विद द स्पेस, विथ स्पेस एंड अगेन उसका से हम लास्ट नेम के साथ जो है कनेक्ट कर रहे हैं। तो ये तीन चीज कनेक्ट कर रहे हैं, उसका सब इन्फॉर्मेशन को आउटपुट में सेट कर रहे हैं। तो लेट मी शो यू इन द डिबग मोड। ओके चलो बिल्ड एंड सेव कर लेते हैं हम लोग कोड को। ओके लेट मी डिप्लॉय इट, अप्लाई कर दिए। लेट मी रन द डिबगर, तुम दिखा पाए आपको कैसे हो रहा है। लेट मी ओपन द मेरे मैसेज है, ये बस मैसेज आ चुका है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम परमिशन। हमारे पास टारगेट है कि दोनों कंबाइन करके नेम दे देना है। लेट मी राइट मैसेज, हमारे पास डिक्लेयर कर चुके हैं वेरिएबल, देख सकते हैं डिक्लेयर हम लोग कर दिए हैं एफ नेम लास्ट नेम जो हमारे पास इस तरह से आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों को कनेक्ट करेंगे विद द स्पेस, और मैं आउटपुट में अभी कुछ नहीं देख सकते, आउटपुट मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है। जैसे ये लाइन चलेगा हमारे पास जो है वो कनेक्ट होकर और आउटपुट में हम देख सकते हैं पूरा नाम आ चुका होगा। तो आईडीज जैसे ही देख सकते हैं यहाँ पर आया जैसे, तो ये जैसे आपके पास देखते हैं कस्टमर, कस्टमर के अंदर में इनको, इनको के अंदर में नेम, नेम के अंदर में आपसे है राहुल कुमार जो है डिटेल्स आ चुका है। ओके तो क्या है तो हमने बेसिकली यहाँ पर देख सकते हैं, तो यहाँ पर अगर आउटपुट में देखें तो यहाँ पर देखिए सिंपल सा जो पूरा नाम में आ चुका है राहुल कुमार। तो बेसिकली हमने फर्स्ट नेम लास्ट नेम को कॉन्क्रीट कर दी उस स्पेस, तो ये मेरे पास ये कोड सिंपल सा रन हो गया। बट अब ये तो मेरे पास अब आउटपुट में देख सकते हैं सेम चीज जो है आउटपुट में आपके पास qm2.local में आ चुका होगा। लेकिन एक चीज यहाँ पर देख सकते हैं सेम चीज आ गया है, फर्स्ट नेम इनको, इनको अंदर में नेम आ चुका है। स्ट्रिंग कंकेटिनेशन का एक जो है डिमेरिट है, वो डिमेरिट आपको थोड़ा सा जानना चाहिए। डिमेरिट ये है कि अगर कोई भी स्ट्रिंग को अगर गलती से आप नल से कंकेटिनेट करते हैं देन होल स्ट्रिंग को ये नल कर देता है। दैट्स द वेरी मच डिमेरिट, और इसको कैसे फिक्स करेंगे हम लोग आगे पढ़ेंगे भी। ओके तो अगर लेट्स एग्जांपल कि हमने जो है यहाँ पर कोड में समथिंग लाइक दैट फर्स्ट नेम है लास्ट नेम है, और कोई नल से अगर फिर नल आ जाता है तो से क्या होता है, ये जो पूरा स्ट्रिंग है पूरा नेम टैग जो है वो प्रेजेंट ही नहीं होगा, नेम टैग आपका से वो मतलब वो क्रिएट ही नहीं होगा। तो ये मतलब एक लाइन आपको ध्यान रखना होगा कि इफ एनीथिंग कंकेटिनेट विद द नेम नल देन इट विल बी होल स्ट्रिंग विल बी नल। तो अगर कोई भी चीज नल से कंकेटिनेट करते हैं देन वो पूरा स्ट्रिंग, एग्जाम्पल देखते दिखाते हैं आपको। जैसे एग्जाम्पल की मेरे पास सम हाउ जो है क्या हुआ, यूजर ने जो है कोई व्यक्ति है जो ऑर्डर प्लेस किया, वो क्या किया कि फर्स्ट नेम डाला कि मेरा नाम है राहुल, और गलती से वो लास्ट नेम डालना ही भूल गया। तो लास्ट नेम जैसे ही डालेगा तो वो लास्ट टैग जो है लास्ट नेम का टैग जो है वो क्रिएट होना बंद हो जाएगा, और लास्ट नेम क्रिएट नहीं हुआ। तो मैंने स्वभाव जो है किसी व्यक्ति ने क्या किया, वो जो है फर्स्ट नेम डाला और लास्ट नेम डाला नहीं, इस कारण से तो हम क्या, हम तो यहाँ तो क्या कर रहे हैं फर्स्ट नेम कॉन्कैटिनेट कर रहे हैं विद द लास्ट नेम। तो मेरे पास देखिए इस समय क्या हो जाएगा, फर्स्ट नेम तो मेरे पास इन्फॉर्मेशन फेच कर पा रहे हैं, स्पेस भी हम डाल पा रहे हैं, बट ये लास्ट नेम नहीं है, तो इसके कारण से क्या हो जाएगा, लास्ट नेम नल हो जाएगा। अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट नहीं होता है सोर्स से तो इन्फॉर्मेशन वो एज ए नल होता है, क्योंकि वो कोई मेमोरी नहीं ले रहा है। नल का मतलब है मेमोरी नहीं लेना होता है, स्पेस का मतलब होता है कि इट इज टेकिंग सम मेमोरी। ओके तो नल का मतलब कोई मेमोरी नहीं, तो मेमोरी नहीं ले रहा है इसका मतलब कि नल है, क्योंकि हम लोग इनपुट में लास्ट नेम कोई फील्ड ऐसा टैग एंड इंटर किया ही नहीं। ये क्या होगा, हमारे पास ये नल हो जाएगा, ये नल हो जाएगा, ये कुछ वैल्यू है कुछ वैल्यू है, ये फाइनली क्या हो जाएगा, टोटली नल हो जाएगा, टोटली नल हो जाएगा। अगर किसी नेम को अगर नल के अगेंस्ट में आप असाइन करते हैं तो ये क्या करेगा, ये नेम टैग का डिलीट कर देगा, क्योंकि नल का एक प्रॉपर्टीज है। नल के प्रॉपर्टीज क्या है कि अगर अगर जो है इसको अगर जो है इसके अगेंस्ट ये पूरा नल होता है, देन अगर इसको नल नेम के सामने असाइन करिएगा देन इट विल बी नल। और चाहते हैं कि नेम के सामने अगर नल असाइन हो तो उसका से यहाँ पर वैल्यू कीवर्ड एक ऐड करना होगा, वैल्यू ऐड कर दीजिएगा देन इट विल, ये क्या होगा, नेम के सामने जो है ये वैल्यू नल असाइन हो सकता है। ओके तो लेट मी शो यू। ओके तो लेट मी जस्ट, हमने ये क्या किया, हमने कोड को सेम रखा है, कोड में चेंजिंग नहीं किए हैं, और हमने जो है बेसिकली लेट मी राइट द मैसेज।
100 टोकन में कस्टमर अगेन राहुल से भी हम इंफॉर्मेशन डाल रहे हैं क्योंकि बस लास्ट दिन पे है संभव कस्टमर डालना भूल गया है। तो ये जैसे इसको हम इंटर करेंगे राइट करेंगे राइट करें ये तो डिबगर शायद पंच नहीं रेड मिडलैंड डिबगर राइट अगेन मैसेज आ चुका है। ये पर क्या हुआ लेट मी गो से द कोड ये बेसिकली यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है पर देख सकते हैं कि फर्स्ट नेम है सिर्फ लेकिन लास्ट नेम सब यूजर डाला नहीं इसलिए भूल गया है। बट हमको यहाँ पर जो है नेम के रूप में फर्स्ट नेम लास्ट नेम दोनों चाहिए क्योंकि हमने कोड में ऐसा लिखा है कि फर्स्ट नेम लास्ट नेम। तो अगर लास्ट नेम नहीं डाला है तो लास्ट नेम जो है वो एज ए नल देगा क्योंकि वो कोई मेमोरी नहीं ले रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा फर्स्ट नेम कुछ ना कुछ वैल्यू है स्पेस यहाँ पर है और ये नल है। तो नल को जैसे ही कॉन्फिनेट करोगे विथ समथिंग देन इट पूरा ये नल हो जाएगा। ये जैसे ये पूरा नल हो जाएगा और ये नल को अगर किसी नेम का अगेंस्ट साइन करते हो तो ये क्या होगा ये स्ट्रिंग पूरा ये जो है स्ट्रिंग जो है वो डिलीट हो जाता है। तो ये एक नल का प्रॉपर्टीज है कि इफ़ यू आर राइटिंग लाइक दैट एंड यू आर साइन समथिंग हियर नल देन क्या होगा ये जो है नेम टैग जो है विल बी डिलीटेड। तो लेट मी शो यू यहाँ पर इंफॉर्मेशन है इंफॉर्मेशन के अंदर में जो है वो नेम टैग जो है वो डिलीट हो चुका है। ये यहाँ पर नेम टैग है ही नहीं तो ये नेम टैग डिलीट हो चुका है। तो ये दिस बेसिकली जो है इन ये जो है प्रॉपर्टीज है बेसिकली जो है ये नल का। तो ये जो है एक डिमेरिट्स है ये जो आप पास देख सकते हैं। तो आप सिमिलर आप देख सकते हैं टोकन टू में देख सकते हैं ये द फर्स्ट। तो ये जो है देख सकते हैं कि ये क्या हुआ ये बेसिकली हमने जो है सिंपल सा हमने कोड लिखा था कि जो है ये स्टेट आउटपुट टूट और ये हमारे पास ये कुछ वैल्यू है ये कुछ वैल्यू है और ये कुछ ये नल है। तो नल को जैसे ही हमने किसी के साथ कंबाइन करोगे तो एक सिंपल भाषा में याद रखो इफ वी कंबाइनिंग समथिंग विद इफ वी कॉन्केनेट समथिंग विद नल देन होल स्ट्रिंग विल बी नल। ओके अगर किसी चीज को अगर कॉन्केनेट करते हो विद द होल स्ट्रिंग देन होल स्ट्रिंग नल हो जाएगा और नल को असाइन करते हो इस मैनर में देन ये जो है वैल्यू जो है आपका क्या होगा ये जो है नल हो जाएगा नेम का वैल्यू जो है डिलीट हो जाएगा नेम टैग डिलीट हो जाएगा। ये हम इस सिंपल सा कंसेप्ट रहा आपके पास जो है कॉन्केटेनेशन का। और हम आगे पढ़ेंगे कि इसको ये इसको इशू को फिक्स करने के लिए हम करें क्या। तो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं उसको कोलैप्स ऑपरेटर यूज करके देखेंगे कैसे फिक्स करें। तो सिंपल सा आपको कॉन्केटेनेशन का स्ट्रिंग कॉन्केटेनेशन में आपको इतना जानना है कि कॉन्केट करना है किसी चीज़ को तो हमको जो है ये ऑपरेटर यूज करके हम किसी भी स्ट्रिंग को एक दो दो तीन जितना भी स्ट्रिंग उसको हम कॉन्केट कर सकते हैं और उसको आउटपुट में सेट कर सकते हैं। ये सिंपल सा कंसेप्ट है। तो अगर कोई भी डाउट हो तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं फिर हम मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। और कोई भी इशू हो कोई भी कमेंट हो यू कैन कमेंट मी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। और वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए फिर मिलते हैं वीडियो के साथ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू ऑल।